अभिकल्पना एक युवा सोच, शिक्षा को समर्पित संस्था जो लगातार शिक्षा में बेहतर बदलाव आए इस चीज़ को लेकर कार्यरत है। पहले वो इन चीज़ों के लिए सेमिनार का आयोजन करती थी। समय बदल गया है, कोरोना काल में सेमिनार की जगह वेबिनार ने ले ली है। बीते रविवार को इंटीग्रेटिंग हेल्थ एंड एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम के विषय पर अभिकल्पना द्वारा एक ऐसे ही वेबिनार का आयोजन करवाया गया। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। अभिकल्पना एक युवा सोच की ओर से रविवार को प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के एकीकरण के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के 150 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रीता अरोरा रहीं, जिन्होंने इस महामारी के दौर में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के एकीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। संयोजक की भूमिका निभाते हुए वंदना धस्माना एवं डॉक्टर श्रीकृष्ण ने इस एकीकरण के लिए उपयुक्त शिक्षा नीति के बारे में बात की। इस मौके पर संस्था के संरक्षक डॉक्टर पवन सिंघल जी ने कहा कि अगर हमें अपने भविष्य को बचाना है तो हमें बच्चों की शिक्षा के साथ उनकी सेहत का ख्याल भी रखना होगा। कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष संजीव कुमार ने सभी वक्ताओं एवं शिक्षकों का धन्यवाद किया। अभिकल्पना लगातार ऐसे कार्यक्रम करती रहती है जिसमें समाज में चेतना का निर्माण हो सके, वो चेतना जो समाज को जागृत करने का कार्य करे, जिससे लोगों के सामने प्रकाश की लौ जले और लोग अच्छी राहों की ओर निकले। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करें जो लगातार शिक्षा को बेहतर बनाने के मिशन पर लगे हों। अभिकल्पना से जुड़ने के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।